भाई साहब जी, मुझे बॉम्बे अर्जेंट ट्रंक कॉल करनी, कर सकता हूँ? हाँ हाँ कीजिए। थैंक यू। वैसे कितनी देर में लाइन मिल जाती है? अगर लाइन ठीक हो तो दो मिनट में नहीं लगते साहब। आपको चाय वगैरह पियेंगे? ठंडा मिल सकता है कुछ? जी हाँ जरूर, अभी लाया। हेलो ट्रंक बुकिंग। हाँ देखिए, मैं 43431 से बोल रहा हूँ, बॉम्बे कॉल करनी। जी वो आदमी जो बाहर टेलीफोन करने आया है, मुझे उसकी बातें सुननी है। जी हाँ जी, बॉम्बे। यहाँ से आप सुन सकते हैं। हाँ बॉम्बे नंबर 212133। हाँ शांति, मैं विजय बोल रहा हूँ। विजय बाबू, आप कहाँ से बोल रहे हैं? माँ जी की हालत बहुत खराब हो रही है। क्या हुआ माँ जी को? बार बार दौरे पड़ रहे हैं। देखो शांति, ये दौरा माँ जी को पहली दफे नहीं पड़ रहा है। तुम अच्छी तरह जानती हो कौन से इंजेक्शन देने से उन्हें आराम पहुँच सकता है। पिछले दो दिनों से इंजेक्शन भी खत्म हो चुके। इंजेक्शन खत्म हो चुके? देखो शांति, मैं इतनी जल्दी वहाँ नहीं पहुँच सकता, तुम जाकर के इंजेक्शन ले आओ। लेकिन माँ जी को इस हालत में छोड़कर मैं कैसे जाऊँ? मैं कुछ नहीं जानता शांति, तुम जल्दी जाओ और इंजेक्शन ले आओ। ओके। शांति, शांति कहाँ चली गई? ये शांति की बच्ची कहाँ चली गई? कमिश्नर साहब, बड़ी अजीब बात हो गई। I'm sorry, विजय, पुलिस उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है। जी लेकिन आपको कैसे पता चला कि किरण गायब हो गई? किरण? जी हाँ किरण, मेरी दोस्त जो मेरी जान बचाने के लिए मुझे अपने घर ले गई थी। कौन है वो जिससे वो तुम्हें बचाना चाहती है? पीके। पीके? जी हाँ पीके, ये रही उसकी तस्वीर। तुम्हारी उससे क्या दुश्मनी है? कमिश्नर साहब, यह आदमी मेरे बाप का कातिल है। तुम्हारे बाप का कातिल? ये ठीक कह रहा है कमिश्नर साहब। बेटे, हम अब भी कहते हैं अपनी माँ को लेकर हमारे घर चले आओ, वरना उनकी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। आज तक पुलिस से सब कुछ छुपाकर तुमने अच्छा नहीं किया विजय। खैर पहले तुम 212133 पे फोन कर लो। ये नंबर आपको कैसे मालूम पड़ा? मेरी माँ तो ठीक है ना? तुम्हारी माँ घर से गायब हो गई है, नर्स यहाँ रिपोर्ट करने आ रही थी। विजय, विजय, सुनो विजय। सुनिए, यहाँ से हसरतगंज कितनी दूर है? हसरतगंज? हाँ। आप ऐसे क्या देख रहे हो? शायद आप लखनऊ में नहीं आए हो। लखनऊ नहीं, ये बम्बई है बहन जी, बम्बई। हाँ। बम्बई कैसे हो सकता है? क्या बात है भाई, पता नहीं बहन जी बम्बई को लखनऊ क्यों बना रही है, कुछ समझ में नहीं आता। बहन जी ये बम्बई है बम्बई। नहीं ये लखनऊ है। लगता पागल है। कमीने! कहाँ है मेरी माँ? कहाँ है तेरा खूनी बाप? कहाँ है उसका अड्डा, उसके साथी कौन कौन है? बोल! तू बोलता क्यों नहीं? देख लिए मेरे बाप के साथी और देख ली मेरी ताकत। अरे बुजदिल, दस दस आदमियों से पकड़वाता है, अगर माँ का दूध पिया है तो एक बार छोड़वा दे, फिर दिखाता हूँ अपनी ताकत। छोटे साहब पुलिस, तुम लोग जाओ। विजय, 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 क्या हुआ विजय? किसने मारा तुम्हें? कौन थे वो लोग? इंस्पेक्टर। यस सर। जरा इसे संभालो।
बॉम्बे? मैं यहाँ बॉम्बे कैसे पहुंची? विजय, विजय! साहब, इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले चलते हैं। नहीं नहीं, हॉस्पिटल नहीं। हॉस्पिटल ले जाने से पुलिस केस होगा। इसे घर ले चलो, अपने डॉक्टर से इलाज कराएंगे। जल्दी। शांति, शांति। माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कहाँ चली गई माँ? मैं तुझे कहाँ से लाऊंगा माँ, कहाँ से लाऊंगा, कहाँ से लाऊंगा? सब्र करो विजय, पुलिस तुम्हारी माँ को बहुत जल्दी ढूंढ निकालेगी। और अगर नहीं ढूंढ सकी तो कमिश्नर साहब? ये नामुमकिन है। नामुमकिन है, नामुमकिन है। अगर ये नामुमकिन है तो फिर आज पुलिस पीके को क्यों नहीं पकड़ पाई? कुछ जवाब है आपके पास इसका? कह दीजिए कि आज नहीं तो कल वो जरूर पकड़ा जाएगा। लेकिन लेकिन अगर मेरी मां को आज कुछ हो गया तो क्या होगा? तो क्या होगा कमिश्नर साहब? क्या फिर से मेरी मां पैदा कर सकेगी ये पुलिस? लौटा सकेगी आप मेरी मां को? लौटा सकेगी मेरी मां को? नहीं कमिश्नर साहब, आप और आपकी पुलिस मेरी कोई मदद नहीं कर सकती। भगवान के लिए यहां से चले जाइए, मैं अकेला रहना चाहता हूं। जिस पीके को आप पकड़ नहीं सके वही मेरी मां को ले गया है। मेरी मां उसी के पास है कमिश्नर साहब, उसी के पास है। ठीक है, मैं चला जाता हूं, लेकिन जाने से पहले एक बात और बता दो। ये शक तुम्हें कैसे हुआ कि पीके उठा ले गया है तुम्हारी मां को? शक नहीं, यकीन है कमिश्नर साहब। अगर ये सच ना होता तो उसका बेटा इस बिल्डिंग के नीचे कभी नहीं पहुंच सकता था, कभी नहीं। कौन है उसका बेटा? कौन है उसका बेटा? उस जलील का नाम अब मैं अपनी जबान पर कभी नहीं आने दूंगा कमिश्नर साहब, कभी नहीं। अच्छा, पीके का बेटा? डॉक्टर, क्या बात? खैरियत? अजी, वो अजय साहब से एक एक्सीडेंट हो गया था और वो काफी परेशान है। एक्सीडेंट? मेरा बेटा इतना नरम दिल? क्या बात है बेटे? पिताजी, एक औरत मेरी गाड़ी के नीचे आ गई थी। औरत? जी हाँ, डॉक्टर ने कहा काफी सीरियस है, पता नहीं बचती है या नहीं। मैं तो परेशान हो गया हूँ। इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? बड़े शहरों में 50 लोग रोज एक्सीडेंट से मरते हैं। डॉक्टर से कह के किसी नर्स का इंतजाम करवा दो, हमें और भी बहुत काम है। क्या काम है? गाड़ी लेकर शहर का कोना कोना छान मारो। विजय की माँ हमें मिलनी चाहिए और मैं उस किरण से नमरता हूँ। आशा, आशा जल्दी आना। जी भैया। आशा, उस दिन अजय के पिताजी हमारे यहाँ आए थे ना? हाँ। इन तस्वीरों को अच्छी तरह से देखकर बताओ, वो ये थे या ये? ये। Are you sure? जी हाँ। Very good. यही है वो खूनी, यही वो कातिल जिसने मेरा सुहाग उजाड़ा था। तू इसी का आदमी है। बोल, मुझे कौन लाया? बोल, मेरा विजय कहाँ है? मैं तेरा खून पी जाऊंगी। बोल, मेरा विजय कहाँ है? बोल, मेरा विजय कहाँ है? यही है ना वो